हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एच डी आर टेक्निकल गुरुजी अपने यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेगा चैनल का कैसे वेट निकलेगा। फ्रेंड्स, आप मेरा चैनल में नया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कैलकुलेट वेट ऑफ MS चैनल। डेंस्टेबल स्टील 7850, ये केजी पर मीटर का स्टील का फॉर्मूला होता है 7850। ये आपका 100/50 का चैनल है। ये आपका वेब थिकनेस बोलते हैं। ये आपका फ्लांज थिकनेस है, मतलब वेब वॉल्यूम फ्लांज वॉल्यूम। अभी हम लोग का 1 मीटर का लेंथ का वेट निकालेगा कैसे। इसका फॉर्मूला है वेब वॉल्यूम प्लस 2 × फ्लांज वॉल्यूम इंटू 7850। स्टील का डेंसिटी होता है 7850 केजी पर मीटर। वेब वॉल्यूम क्या है, इसको वेब वॉल्यूम बोलते हैं। वेब वॉल्यूम ये 100 mm चैनल है। चलो वेब वॉल्यूम 100 mm क्या है, इसका जो लेंथ है, जो अपना जो चैनल का चौड़ाई होता है 100 mm। चलो 100 mm इंटू 5 mm, 5 mm क्या है थिकनेस, 5 mm का थिकनेस, 5 mm इंटू 1000 mm क्या है, हम लोग 1 मीटर का भी बना रहे हैं, 1 मीटर का लेंथ 1 मीटर, ये 1000 mm, ये मिलीमीटर। इसको कन्वर्ट करने का हम लोग का मीटर में कन्वर्ट करने का 100 mm कन्वर्ट करने का 0.100 इंटू 5 mm को कन्वर्ट करने का मीटर में 0.005। 1000 मीटर को कन्वर्ट करने का मीटर में आप लोग को मालूम है 1000 mm का होता है 1 मीटर इंटू 1 मीटर। इसको मल्टीप्लाई कर देने का आएगा 0.0005 mq। ये आपका ए का वॉल्यूम का निकल गया। अभी क्या करने का हमको, बी का वॉल्यूम निकलने का। बी का ये कितना, ये भी 50, ये 100 का निकल गया 50 mm। चल 50 अभी क्या करेगा, ये हम लोग का यहाँ से यहाँ तक निकल गया अभी, ये ए का वॉल्यूम। अभी बी का वॉल्यूम निकलेगा, मतलब इधर ये निकल गया ऑलरेडी। अभी हम लोग का ये तरह ये 50 mm, चलो 50 mm तो ये कितना 5 mm का थिकनेस है, 50 mm माइनस 5 mm थिकनेस 45। ठीक है दोस्तों, बी वॉल्यूम का 45 mm, 45 mm ये निकाला, 45 mm इंटू 5 mm, 5 mm थिकनेस इंटू 1000 लेंथ। अभी मिलीमीटर को कन्वर्ट करने का मीटर में 0.045 मीटर इंटू 5 मिली का मीटर में कन्वर्ट करने का 0.005 मीटर। 1000 का मिलीमीटर कन्वर्ट करने का मीटर में इंटू 1 मीटर। अभी इंटू करने से आंसर आएगा 0.000225। इंटू 2 क्या है, ये प्लांच का वॉल्यूम दोनों साइड हमको करने का, अभी एक निकल गया अभी तो, इसका मतलब क्या है 2 इंटू करने का। इधर एक फॉर्मूला लिखा है क्या, 2 इंटू प्लांच वॉल्यूम इंटू 2 मल्टीप्लाई करने का आंसर आएगा इसको 0.00045। ये अभी बी का वॉल्यूम निकल गया, अभी ए का भी वॉल्यूम निकला हुआ इधर से, अभी बी का भी वॉल्यूम निकल गया। टोटल वॉल्यूम ए प्लस बी इधर दिया, वही वॉल्यूम प्लस फ्लांज वॉल्यूम इधर प्लस दिया, तो हम लोग क्या करने का, अभी ए का निकल गया और बी का भी निकल गया। तो टोटल वॉल्यूम ए प्लस बी, चलो ए का वॉल्यूम कितना है 0.0005 mq, इधर लिखा हुआ ए का वॉल्यूम लिखा 0.005 mm प्लस देने का। बी का वॉल्यूम कितना है 0.00045, इधर बी का वॉल्यूम लिखने का 0.00045। अब इसको प्लस करने का, प्लस करने के बाद आप ये आंसर निकलने का 0.000995। अभी क्या करने का, लास्ट में मैं बोला था फॉर्मूला में क्या, इंटू स्टील का डेंसिटी लिखने का 7850, इधर इंटू करने का 7850 इजिक्वल करने का आंसर आएगा 7.45 kg। ये पर मीटर में आपका 7.45 kg का 1 मीटर का निकल गया आंसर है 7.45 kg। अभी हमको 10 मीटर चाहिए, 5 मीटर चाहिए इंटू 10 मीटर इजिक्वल टू 20 मीटर, जितने मीटर चाहिए आपको इतने निकल जाएगा। फ्रेंड्स,
मैं उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। फ्रेंड्स, कुछ डाउट है तो मेरा इंस्टाग्राम में फॉलो कीजिए और मेरा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।